मस्त मौली रे, मस्त मौली। पिछले 18 साल से दोस्ती का रिश्ता निभाया है अपने, तब पूरी विधि विधायक के साथ अपनी शादी से अब कैसे वो मोड़ सकते हैं प्यार। अब आप हमारे पति हैं, पति का सुख दुख प्यार का होता है। इसलिए आपके प्यार की तरह आपका एक गुस्सा भी मंजूर है हमें। जानते हैं आप हमसे नाराज है, हमें हमारी बात रखने के लिए 5 मिनट में नहीं देंगे। हम अपनी सेवा से, समर्पण से, प्यार से आपके जरूरी 5 मिनट में हासिल कर लेंगे। बताइए और क्या करना है हमें? तुम्हें अभी मेरी नफरत का अंदाजा नहीं। चली जाओ मेरी जिंदगी से, मेरी नजरों से, वरना ये नफरत तुमको वैसे ही बर्बाद करेगी जैसे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब चाहे हमें सदगति मिले या दुर्गति, जा हमारे पति वही हमारी गति। शादी के साथ तो वचन याद है हमें, उसे हर जन्म में निभाएंगे। कलेक्टर का दिमाग है हमरे बिहान का। मौली को ऐसी सजा दिया ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। मौली, वही तो बुझा रहा हूँ। अरे यहाँ पे लगी है। बिहान, हमें तो लगा कि तुम हमसे अब नफरत ही करते हो, पर अब हम समझ गए तुम्हारी नफरत के पीछे हमारी चिंता। मौली, मेरा हाथ छोड़ो। बिहान, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, पर तुम्हारे गुस्से की वजह ही नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? बिहान, खुद को इतनी तकलीफ मत दो। अब बताओ हमें क्या बात है? बिहान, फोन आते ही बिहान इतना परेशान काहे हो गए? किसका फोन है ये? हेलो। हाँ, घर में कुछ टेंशन चल रही है, पहले मुझे वो सॉल्व करने दो। मैंने कहा ना मैं करता हूँ फोन। जा रहे जमाना, टीका तहस नहस मचा के रखा है। हाँ, तुमने दिमाग में चल कर रहा है। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें नफरत की, और जरा सी आग से भूम की तरफ पिघल गए। होकर रहा है बिहान। माँ, ये जो कुछ हो रहा है मैं किसी को समझा नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ तो ये सब क्यों हो रहा है। अम्मा जी वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू खाए वो भी पछताए, ना खाए वो भी पछताए। लगता है देवर जी को शादी का लड्डू हजम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, चलिए अम्मा जी हम चलते हैं। अम्मा जी, इनकी दोस्ती की जड़ें ना बड़ी गहरी है। इन जड़ों में ना हमें प्यार से माठा डालना होगा, आहिस्ता आहिस्ता, इससे पहले कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाए। कपड़े भीग गए तुम्हारे, बदल लो। चद्दर तो दे दिए, अब तकिया और बिछौना भी दे देते तो सोने में आसानी हो जाती। तुमको ये सब मजाक लग रहा है? हाँ? शादी तो एक ही बार होती है ना, उसे हम मजाक कैसे बना सकते हैं? इस शादी की वजह से मेरी जिंदगी मजाक बन गई। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं दे सकता। निहान, आपने हमें इस घर में जगह दी है, इससे खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? वो मैंने बाबूजी के लिए किया, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है और ना कभी होगी। बात है, हमें बताइए ना, आप इतने परेशान काहे हैं? काहे कि हम जानते हैं आप ऐसे तो नहीं हैं। देख रही अम्मा जी, हमने इसे जरा सी जगह दी और इसने अपनी पूरी गृहस्थी बसा ली। और अम्मा जी, अभी तो इसकी गृह प्रवेश की रस्म भी पूरी नहीं हुई। नैना भाभी, कौन सी रस्म अधूरी रह गई है? आप बताइए ना, हम करेंगे। ये क्या कर रही हैं आप? जुबान बंद, आंखें बंद और सिर झुकाकर हमारे साथ मंदिर चलना, यही रस्म है। और मौली, तुम अगर एक बार ये रस्म पूरी कर लोगी ना तो तुम्हें घर में जगह मिल जाएगी, ठीक है? बिहान के लिए इतना सब कुछ कर पाओगी ना? करेंगे माँ जी, हम बिहान के लिए कुछ भी करेंगे। तो आंख बंद कर लो अपनी। डॉक्टर साहब ने कहा है कुछ दिनों तक आपको ये चश्मा पहने रखना है। बेटा बिल्कुल मत घबराओ, बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे तुम। ये कहाँ आ गए हम? जगह तो कुछ जाना पहचाना सा है। हम आ गए। चलो बहू। माँ जी ये जगह तो। तुमसे बोले थे ना कि जवान चुप रखना। प्रणाम समधी, प्रणाम समधम, प्रणाम माता जी। आपने तो कहा था मंदिर जा रहे हैं। तो ये मंदिर ही तो है और ये रहे तुम्हारे भगवान। सुलक्षणा सीधे सीधे बोलो कि तुम यहाँ क्यों आई हो? जा रहे जमाना समधन पहली दफे आई है, न चाय न नाश्ता, पर कोनो बात नहीं। अब आप सब इतने प्यार से बोल ही रहे हैं तो हम सोचा हम भी साफ साफ बता ही देते हैं। तो बात दरअसल ये है कि बाजी अभी क्या कर रही है? अब जानती है ना अगर बिहान को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। समधी जी माना कि शादी जोर जबरदस्ती से हुई है, पर रीति रिवाज के कोई मतलब होता है ना। वो कहावत तो आप सुने होंगे कि खाई पी बेक में पर हिसाब दर की अलग। आप सब समझदार हैं, चलते हैं। प्रणाम। नहीं नहीं पापा, अब कोई बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। अब चाहे तो बिहार से पूछ लीजिए, बाबूजी से पूछ लीजिए, कोई नहीं जाता। पापा पापा प्लीज। नहीं माँ जी, अब चुप नहीं रहेंगे। जो गलत है वो गलत है, हम इस बारे में बिहान को जरूर बताएंगे।